नमस्ते दोस्तों, दिस इज महेश कदानी और यू आर वॉचिंग माई पेज रिलैक्स रिलैक्स। दोस्तों, हमारा पर्पज़ ये होता है कि लाइव जो हमें प्रॉब्लम आते हैं सीसीटीवी रिलेटेड, तो उसके में किस तरीके से इशू रिजॉल्व करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके। आज का प्रॉब्लम ये था, DVR जो है वो मॉनिटर में नहीं दिख रहा था। जैसे कि ये मॉनिटर में DVR नहीं दिख रहा था। अभी मैंने क्या किया, ये जो VGA पोर्ट इस पहले इसके ऊपर लगा हुआ था, VGA पोर्ट HDMI पोर्ट पे, तो मैंने दूसरा एक VGA केबल लिया, उससे ये VGA पोर्ट पे मैंने वो लगाया और मैंने चेक किया कि मॉनिटर चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे कैमरे नहीं चल रहा। फिर HDMI मैंने लगाया, HDMI पे भी नहीं चल रहा। तो मैंने क्या किया, लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही था कि जो LAN केबल है, LAN केबल मैंने लिया और लैपटॉप में मैंने लगा दिया। अभी दोस्तों देखो, लैपटॉप में लगाने के बाद ये LAN केबल मैंने यहाँ पे लगा दिया लैपटॉप में। अभी इसको कैसे ओपन करें, IP अगर हमें पता है या तो फिर नहीं भी पता होगा तो भी CPFS का DVR है, तो मेरे पास CPFS का क्लाइंट सॉफ्टवेयर है और दोवा का क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। ये KVMS जो है ये CPFS का है और दूसरा जो है उसके नीचे स्मार्ट PSS ये दोवा का है। लेकिन स्मार्ट PSS में भी आप CPFS का DVR ओपन कर सकते हो, क्योंकि कंपनी बनाने वाली एक ही है, ब्रांड अलग अलग है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले स्मार्ट PSS ओपन किया। अगर आपके पास नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिए, ये ऑलरेडी रनिंग में चल रहा है। तो मैं स्मार्ट PSS पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने ये वाले ऑप्शन, इस तरीके जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको जाना है डिवाइसेस में, डिवाइसेस में जाने के बाद यहाँ पे ऑटो सर्च में जाना है। ऑटो सर्च में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, ये वाला। तो सर्च में प्रेस करोगे तो आपको पहले जो है वो मैं डिलीट मार देता हूँ, जो जो डिवाइस इसके साथ कनेक्ट होगे वो ये सर्च करेगा। तो मैं ये जो मैंने किया था ऐड उसको डिलीट मार देता हूँ और वापस सर्च करता हूँ, ऑटो सर्च में जाता हूँ, सर्च करता हूँ। तो देखो ये मेरा आ गया DVR का IP। अभी इसको सेलेक्ट करके मुझे ऐड करना है, ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, जो भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो आप डाल दीजिएगा। नहीं देखो दोस्तों, अभी ये ऑनलाइन हो गया। ठीक है, जैसे ऑनलाइन होता है हमें ऊपर वाले ऐड का जो सिंबल है, इसका ऐड के सिंबल पे हमें जाना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पे इंटरफेस ओपन होगा। इस पर आपको इसके आपको जाना है लाइव व्यू पे। लाइव व्यू पे जाने के बाद देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पे डिवाइस ओपन हो चुका है, इसको हम अभी चालू करेंगे। देखिए चालू हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा DVR तो ओके है, ये चल भी रहा है, इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, बट इसका विज़न नहीं दिख रहा है। मतलब हम मॉनिटर्स में HDMI से VGA पोर्ट से जो हम देख रहे थे वो नहीं हो रहा। इसका मतलब इसका जो VGA पोर्ट है, ये वाला VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट, ये दोनों फॉल्टी है, ये नहीं चल रहे, इसलिए हमें DVR ये रिप्लेस करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, यही हमारा प्रॉब्लम था, हमने सोल्यूशन इसका निकाल लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा, इशू रिजॉल्व करते हैं। इस तरीके वीडियो और भी आएंगे, आपको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।